हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के प्रथम मोटर संचालित वायुयान के आविष्कारक, निर्माता और संचालक राइट ब्रदर्स के बारे में। विल्बर राइट और ओरविल राइट के पिता का नाम मिल्टन राइट था, जो एक पादरी थे और बाद में उन्हें एक चर्च में बिशप के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। उनकी माता का नाम सुजैन कैथराइन क्वेर्नर था। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 को मिलवेले इंडियाना में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 मई 1912 ईस्वी को 45 वर्ष की आयु में डेटन ओहियो में हुई। और इनके छोटे भाई ऑरविल राइट का जन्म 19 अगस्त 1871 को डेटन ओहियो में हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 76 वर्ष की आयु में डेटन ओहियो में ही हुई। जब विल्बर की उम्र 11 वर्ष के करीब और ओरविल की उम्र 7 वर्ष के लगभग थी, उसी समय उनके पिता ने एक खिलौना उन्हें दिया जो छत की ऊंचाई तक सीधा उड़ सकता था, जिसे कागज, बांस और कॉर्क से बनाया गया था, जिसमें रबर की एक पट्टी थी जो छोटा सा पंखा चला देती थी। यह खिलौना हेलीकॉप्टर की तरह हवा में सीधा ऊपर उड़ता था और फिर नीचे आ जाता था। इस खिलौने ने दोनों भाइयों के नन्हे से मन मस्तिष्क में कौतूहल पैदा कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अगर इतनी छोटी सी चीज़ छत तक उड़ सकती है तो बड़ी चीज़ निश्चित तौर पर बादलों तक उड़ान भर सकती है। दोनों भाइयों ने खेल खेल में ही ऐसा खिलौना बनाना शुरू कर दिया, पर वो जितना बड़ा खिलौना बनाते वो उतना कम उड़ता। राइट ब्रदर्स अपने परिवार के साथ 3 वर्षों के बाद रिचमंड चले गए, जहां उन्होंने पतंगे बनाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते उनकी पतंगे पूरे रिचमंड में प्रसिद्ध हो गईं। जब ऑरविल की उम्र 12 वर्ष थी, उन्होंने एक पुराने फैशन का छापाखाना खरीदा और उस पर अखबारों की छपाई करने लगे। और 17 साल की उम्र में ऑरविल ने एक बड़ा छापाखाना तैयार किया और वहां दोनों भाई अखबार छापने का काम करने लगे। 1879 में मां की मौत का उनके मानस पटल पर गहरा असर हुआ और प्रिंटिंग के क्षेत्र में बड़े बड़े अखबारों के आ जाने के बाद प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें अपना प्रिंटिंग प्रेस बंद करना पड़ा। इसके बाद दोनों भाइयों ने डेटान में साइकिल बनाने और बेचने का काम शुरू किया। जर्मनी में उन्हीं दिनों ओटो और गुस्ताव लिलियनियल पक्षियों की तरह उड़ने के खतरनाक प्रयोग में लगे हुए थे। राइट ब्रदर्स ने इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था और 1896 में ग्लाइडिंग के दौरान लिलियनियल की मौत हो गई थी, जिससे दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। लिलियनियल की मौत से डरने के बजाय दोनों भाइयों को हवा में उड़ान भरने में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने उड़ने वाले यानों के निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया। कठिन परिश्रम के बाद 1899 में दोनों भाइयों ने एक पतंगनुमा बाइप्लेन बनाया और इसी प्लेन के साथ बार बार असफल होने के बाद भी 4 वर्षों तक प्रयोग करते रहे। लगातार होने वाली अपनी विफलता के बाद दोनों भाइयों ने 17 दिसंबर 1903 को अपने द्वारा बनाए गए यान से उन्होंने दुनिया में पहली उड़ान भरी। इस घटना को देखने के लिए गांव से सिर्फ 4 पुरुष और 1 बच्चा आए हुए थे। इस उड़ान को पूरा करने के लिए ऑरविल यान पर चढ़े और विल्बर ने मशीन का पंखा चालू किया। ऑरविल इस यान द्वारा 37 मीटर की दूरी तक उड़ा और 12 सेकंड तक वह हवा में रहे। यह 40 फीट तक पटरियों पर दौड़ने के बाद 10 फीट तक की ऊंचाई तक ऊपर गया। इसी यान की सहायता से विल्बर ने दूसरी उड़ान भरी। उन्होंने वायु में लगभग 200 फीट की दूरी तय की। तीसरी उड़ान फिर ऑरविल ने भरी और इसके बाद चौथी और आखिरी उड़ान इसी यान से विल्बर ने भरी, जिसमें उन्होंने 850 फीट की दूरी लगभग 1 मिनट में तय की। और जब वो ज़मीन पर उतरे तो उन 5 लोगों ने उन्हें बधाई दी।
अपनी इस कामयाबी के बाद विल्बर 1908 में फ्रांस चले गए। इसके बाद उन्होंने 91 मीटर की ऊंचाई तक और भी कई उड़ानें भरी, लेकिन सन 1912 में टाइफाइड से उनकी मौत हो गई। ऑर्विल ने अपने भाई के रूप में अपना सबसे प्यारा दोस्त, सहायक और हौसला अफजाई करने वाला एक पार्टनर खो दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऑर्विल अकेले ही इस क्षेत्र में काम करते रहे। उन्होंने 27 मीटर की ऊंचाई पर अपने द्वारा बनाए गए यान से 57 चक्कर लगाए। ऑर्विल ने 1916 में राइट एरोनॉटिकल लेबोरेटरी खोली, जिसमें उन्होंने वायुयानों से संबंधित अनेक तकनीकी विकास किए। ऑर्विल की ज़िंदगी में ही वायुयान के डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हो चुकी थी। मानव जाति वायुयान के विकास में योगदान देने वाले इन दो अविवाहित वैज्ञानिकों के महान योगदान को कभी भूल नहीं सकता। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।